वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ डॉक्टर हरिन। आज का जो हमारा लेक्चर है फोटिक जिटगिबर एंड नॉन फोटिक जिटगिबर के ऊपर है। तो हम यहाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फोटिक जिटगिबर्स किसे कहते हैं। फोटिक का मतलब होता है लाइट। लाइट को ही हम फोटिक जिटगिबर कहते हैं। और वहीं पे नॉन फोटिक क्या होता है? तो नॉन फोटिक होता है डिफर फ्रॉम लाइट, यानी ये लाइट से डिफरेंट होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो क्रोनोबायोटिक जो ड्रग्स होते हैं ये इसका एग्जांपल है। या दूसरा एग्जांपल क्या है? मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन इसका एग्जांपल है। टेम्परेचर भी इसका एग्जांपल है। या जो फूड जो शॉर्टेज होगा तो हम यहाँ फूड शॉर्टेज लिख देते हैं। फूड शॉर्टेज भी इसका क्या है? एग्जाम्पल है नॉन फोटिक जिटगिबर का। अब जो हमारा जो सुप्रा काइज्मेटिक जो न्यूक्लियस होता है, ये सुप्रा काइज्मेटिक जो न्यूक्लियस होता है ये क्या है करे? सिंक्रोनाइज्ड करता है। किसके साथ? लाइट के साथ सिंक्रोनाइज करता है। तो इसी ऐसे ही सेम क्या होता है, हमारा जो सुप्रा जो काइज्मेटिक जो न्यूक्लियस होता है ये भी क्या करता है? सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। किसके साथ? नॉन फोटिक जिटगिबर्स के साथ। फोटिक जिटगिबर्स के साथ क्या है? सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। इंट्रोडक्शन। अब जो सर्काडियन जो क्लॉक होता है, ये सर्काडियन क्लॉक कहाँ लोकेट होता है हमारा? ये लोकेट होता है सुप्रा जो काइज्मेटिक जो न्यूक्लाई होता है वहाँ लोकेट होता है। और ये सुप्रा काइज्मेटिक जो न्यूक्लाई होता है ये हाइपोथैलेमस में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। वहीं पे जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, यानी हम लाइट की अगर बात करें तो लाइट को हम फोटिक जिटगिबर कहते हैं। और ये फोटिक जिटगिबर क्या होता है? मोस्ट पावरफुल सिंक्रोनाइजर होता है ऑफ द सुप्रा काइज्मेटिक न्यूक्लियस क्लॉक के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो लाइट जो हमारा सुप्रा काइज्मेटिक जो न्यूक्लियस है वो क्या है? लाइट के साथ सिंक्रोनाइज कर लेता है। वहीं पे अगर हम नॉन फोटिक अगर जिटगिबर्स की अगर बात कर रहे हैं तो ये डिफर होता है किससे? नेचर में, किससे? लाइट से बिल्कुल ही डिफर होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो फूड शॉर्टेज इसका एग्जांपल है, ट्रीटमेंट विद द क्रोनोबायोटिक जो ड्रग्स होते हैं इसका एग्जांपल है, मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं ये भी नॉन फोटिक जिटगिबर्स का एग्जाम्पल है। अब जो नेचुरल कंडीशन में होता क्या है कि जो फोटिक जिटगिबर्स होते हैं और जो नॉन फोटिक जिटगिबर्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं? इंट्रैक्शन करते हैं, ये इंट्रैक्ट करते हैं। और इनका जो इंट्रैक्शन क्या होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनाइज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो डेली जो फेस एडजस्टमेंट हो उसको कर सके। फेस एडजस्टमेंट किस तरीके से कर सके? यानी जो उनका सर्काडियन क्लॉक है उसका फेस एडजस्टमेंट कर सके वो। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं कि हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो फोटिक है, फोटिक जो जिटगिबर्स की अगर हम बात करें, जिटगिबर्स की हम बात करें, प्लस अगर हम नॉन फोटिक जिटगिबर्स की हम बात करें, जिटगिबर्स की अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? इंट्रैक्ट होते हैं। इनके इंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जो हमारा सुप्रा काइज्मेटिक जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है कि अपना जो क्लॉक है यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करता है? इनके अकॉर्डिंग क्या करता है? एडजस्ट करता है। इनके आपस में इंट्रैक्शन की वजह से जो जो आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है तो उनके अकॉर्डिंग ये अपना सुप्रा काइज्मेटिक न्यूक्लियस अपने क्लॉक को एडजस्ट कर लेता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटिक सिंक्रोनाइजेशन किसे कहते हैं या फोटिक इंटेनमेंट किसे कहते हैं। अब जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फोटिक का मतलब होता है लाइट।
तो ये जो लाइट है तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारा जो सुपरा काइज़मेटिक जो न्यूक्लियस है जहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है लाइट के साथ, यानी लाइट के साथ क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रेनमेंट भी कहते हैं। अब जैसे हमारा क्या है कि जो डे और नाइट है वो 12 और 12 आवर्स में क्या है, डिवाइडेड है, तो हम उसको कहते हैं 12 आवर लाइट 12 आवर डार्क साइकिल कह देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 12 आवर्स क्या है, लाइट क्या हो गया, ऑन हो गया है, और 12 आवर्स क्या है, लाइट ऑफ हो गया है। अगर हम नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म की अगर हम बात करें, ये एक्टिव होता है ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ड्यूरिंग द जब लाइट ऑफ होता है या ड्यूरिंग डार्क होता है तब ये नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म एक्टिव होते हैं। वहीं पे जो डायर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म है ये क्या होता है, एक्टिव होता है जब लाइट ऑन होता है, यानी ड्यूरिंग द डे टाइम ये एक्टिव होते हैं। अब जो नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, अगर हम इसको क्या कांस्टेंट क्या है डार्क कंडीशन में रखेंगे और फिर उसके बाद जो पल्स इसको लाइट का अगर पल्स देते रहेंगे, तो जो नॉक्टर्नल जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो रीसेट कर लेता है अपना इंटरनल रिदम को किसके, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। और यहाँ एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, लाइट है। आइए जरा इसको एक्टोग्राम से समझ लेते हैं। ये आप जो एक्टोग्राम देख रहे हैं तो ये एक्टोग्राम का जो ये वाला जो रीजन है, तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लाइट क्या है, ऑन है। तो ये वाला रीजन भी क्या है, हमारा लाइट क्या है, ऑन है हमारा। अब यहाँ से जो इतना जो रीजन है आप देख रहे हैं कि ये जितना रीजन है, ये सारा जो रीजन है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा लाइट क्या है, ऑफ है। लाइट यहाँ पे ऑफ है। अगर हम नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म की बात करें, जब लाइट ऑफ होता है तभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म क्या होता है, एक्टिव होता है यहाँ पे। तो लिविंग ऑर्गेनाइज्म क्या है, तभी यहाँ पे एक्टिव है हमारा। तो लिविंग ऑर्गेनाइज्म एक्टिव है। अब अगर हम एक और कंडीशन ले लें कि इस कंडीशन में अगर हम क्या करें कि दूसरे कंडीशन में हम क्या ले लें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है कि हम कांस्टेंट क्या है डार्क की बात करें, यानी हम जो नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म है इनको क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट डार्क पे रख रहे हैं। तो डार्क पे रख रहे हैं यानी लाइट ऑफ है। अब जब डार्क पे रखेंगे तो क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बीच बीच में क्या है लाइट का अगर हम पल्स, जो लाइट है पल्स है उसको अप्लाई करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतना जो रीजन है आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा लाइट का पल्स है। तो जैसे ही हम लाइट का पल्स देते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनाइज्म जब लाइट का पल्स मिलता है, तो यहाँ लिविंग ऑर्गेनाइज्म क्या है, यानी नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म यहाँ इनएक्टिव हो गया है, इनएक्टिव हो गया। तो यानी क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म का आपका क्या है, सुपरा काइज़मेटिक जो न्यूक्लियस है जहाँ पे हमारा क्लॉक प्रेजेंट है, वो क्लॉक क्या है कि वो अपने आप को क्या है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई इसमें क्या है, लाइट है हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर लिविंग ऑर्गेनाइज्म को कांस्टेंट अगर डार्क कंडीशन में अगर हम रखें तो क्या होगा, तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो फ्री रनिंग पीरियड क्या होता है। अगर हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म है नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, इसको हम कहाँ रख रहे हैं, कांस्टेंट क्या है डार्क कंडीशन में हम इसको रख रहे हैं जहाँ पे क्या है डार्क है। अब कांस्टेंट डार्क कंडीशन में रखने से क्या हो जाएगा, तब भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म क्या है एक रिदम को शो करेगा, रिदम को शो कर रहा है।
तो ये जो रिदम होता है इसको हम कहते हैं फ्री रनिंग। अब ये जो फ्री रनिंग जो है यानी जो रिदम की हम बात कर रहे हैं, इसे जो कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं फ्री रनिंग पीरियड कहते हैं, यानी FRP कहते हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि हमने कहा कि जो नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म है अगर हम उसको कांस्टेंट डार्कनेस कंडीशन में रखेंगे तो जो फ्री रनिंग पीरियड होता है वो हमेशा क्या है, लेस देन होता है 24 आवर्स से, क्या होता है, कम होता है फ्री रनिंग पीरियड। अब इसका रीजन क्या होता है कि जो नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म है यानी माउस है वो क्या करता है कि जब हम डायरेक्ट क्या है कांस्टेंट क्या है कि डार्क कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं तो वो अपनी एक्टिविटी को क्या करता है, वो क्या करता है, जल्दी स्टार्ट कर देता है, अर्लियर स्टार्ट कर देता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड हो जाती है। इसीलिए क्या होता है जो फ्री रनिंग पीरियड है वो 24 आवर से कम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉफ फर्स्ट रूल भी कहते हैं हम लोग। वहीं पे जो डायरोनल जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है अगर हम उसको कांस्टेंट डार्कनेस कंडीशन में रखेंगे तो क्या होगा, तो कांस्टेंट डार्कनेस कंडीशन में अगर डायरोनल लिविंग ऑर्गेनाइज्म को रखेंगे जो जो फ्री रनिंग पीरियड है वो हमेशा क्या होगा, मोर होगा किससे, 24 आवर्स से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। रीजन क्या है कि जो डायरोनल लिविंग ऑर्गेनाइज्म है जब हम उसको कांस्टेंट क्या है डार्कनेस कंडीशन में रख देते हैं तो वो क्या होगा, थोड़ा लेट क्या होगा उठेगा और अपनी एक्टिविटी को लेट शो करेगा, यानी उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से क्या होता है वो 24 आवर्स से क्या हो जाता है, इसका क्या है कि जो फ्री रनिंग पीरियड है वो ज़्यादा हो जाता है 24 आवर्स से। आइए जरा इसको ना हम ग्राफ से समझ लेते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि एक्टोग्राम है। तो इस एक्टोग्राम में देख रहे हैं कि ये पूरा जो एक्टोग्राम है तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एक डार्कनेस कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इसे कह रहे हैं कि हम इसे कह रहे हैं कांस्टेंट कांस्टेंट डार्क है यहाँ पे। तो और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्टोग्राम में, तो ये एक्टोग्राम में क्या है, लिविंग ऑर्गेनाइज्म की एक्टिविटी है, एक्टिविटी है यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि ये एक्टिविटी क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ये एक्टिविटी क्या है नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म की, ये लेफ्ट साइड की तरफ लिफ्ट ड्रिफ्ट हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट साइड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है यानी नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म है वो क्या है, एक्टिविटी को अर्लियर शो कर रहा है, अर्लियर एक्टिविटी हो रही है उसकी यानी जल्दी उसकी एक्टिविटी हो रही है। वहीं पे अगर हम दूसरा एक कंडीशन रख दें कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म को अगर कांस्टेंट लाइट कंडीशन अगर प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, तो कांस्टेंट लाइट कंडीशन अगर हम प्रोवाइड कराएंगे अगर नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म को तो उनका जो फ्री रनिंग पीरियड है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, फ्री रनिंग पीरियड इंक्रीज हो जाएगा 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाएगा। अब रीजन क्या है कि अगर कांस्टेंट लाइट कंडीशन में अगर हम नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म को रखेंगे तो वो अपनी जो एक्टिविटी है वो क्या है, लेट स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी को हम एस्कॉफ थर्ड रूल भी कहते हैं। वहीं पे अगर जो डायरोनल जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, डायरोनल लिविंग ऑर्गेनाइज्म को कांस्टेंट क्या है अगर हम क्या करेंगे लाइट कंडीशन में रहेंगे तो होगा क्या कि जो FRP है फ्री रनिंग पीरियड है वो फ्री रनिंग पीरियड क्या होगा कि वो 24 आवर्स से क्या है छोटा होगा, यानी डिक्रीज होगा, छोटा होगा फ्री रनिंग पीरियड।
रीजन क्या है कि अगर हम डायनुरल लिविंग ऑर्गेनाइज्म को कांस्टेंट क्या है लाइट कंडीशन में रखेंगे तो वो अपनी एक्टिविटी को क्या है अर्लियर करेगा, यानी जल्दी से एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं एक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी को हम क्या करते हैं एक्टोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सेकेंड एक्टोग्राम है, तो सेकेंड एक्टोग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट लाइट को हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। अब कांस्टेंट लाइट को प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म है, इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही है। कहाँ पे, राइट साइड की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी है, वो क्या हो रही है, ड्रिफ्ट हो रहा है। कहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहा है, राइट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। अब राइट साइड की ड्रिफ्ट होने का मतलब है हम कह रहे हैं कि अगर नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है वो कांस्टेंट लाइट कंडीशन में रहेगा तो उसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी है वो लेट स्टार्ट होगा, यानी लेट एक्टिविटी को शो करेगा। तो इसीलिए ये राइट साइड की तरफ क्या है, ड्रिफ्ट हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉन फोटिक सिंक्रोनाइजेशन किसे कहते हैं या नॉन फोटिक एंट्रेनमेंट किसे कहते हैं। आइए इसे समझ लेते हैं। हमारा जो सुप्रा जो काइज़मेटिक जो न्यूक्लियस है, ये सुप्रा काइज़मेटिक न्यूक्लियस के अंदर जो बायोलॉजिकल जो हमारा क्लॉक है वो क्या करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक की ये सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है किसके साथ, सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है किसके साथ, हमारा नॉन फोटिक जिट गिवर्स के साथ। तो इसको हम यहां समझेंगे। अब जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो नॉन फोटिक जिट गिवर्स होते हैं ये डिफर इन नेचर होते हैं किससे, लाइट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब अगर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, फूड शॉर्टेज इसका एग्जांपल है, या जो क्रोनोबायोटिक जो ड्रग्स होते हैं जिसमें एग्जांपल है ट्रायाजोलम या बेंजोडायाजेपिन या मॉर्फिन या सलाइन के जो इंजेक्शन होते हैं, ये क्रोनोबायोटिक ड्रग्स के एग्जांपल है। और जो मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होते हैं ये भी नॉन फोटिक जिट गिबर्स में आते हैं। अब अगर इसे हम क्या है फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन फोटिक जिट गिबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी को जो कि इंड्यूस करते हैं फेस एडवांस को ड्यूरिंग द, अगर हम इसको सब्जेक्टिव डे में यानी डे टाइम में अगर हम अप्लाई करें तो। इसका मतलब है, कहने का मतलब है, यहाँ पे जो जेड गिबर्स है अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म में या मैमल में क्या करते हैं अप्लाई करते हैं या उन्हें देते हैं ड्यूरिंग, कब ड्यूरिंग हम देते हैं उनको डे टाइम में, तो इससे क्या होगा कि उनका जो एक्टिविटी है वो अर्लियर शो करना स्टार्ट करेगा, वो अर्लियर एक्टिविटी को शो करता है। तो हम इसे करें अर्लियर एक्टिविटी, एक्टिविटी अर्लियर शो करेगा। आइए जरा इसको हम इस एक्टोग्राम से समझते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट है ये लाइट क्या है, यहाँ पे लाइट ऑन है यहाँ पे, और लाइट ऑन होने की वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, हमारा इनएक्टिव है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा यहाँ पे इनएक्टिव है। अब होता क्या है कि अगर हम इस वाले एक्टोग्राम में इस पूरे कंडीशंस को हम क्या करें कि ये मान लें कि ये हमारा ये वाला जो रीजन है ये क्या है डे को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो यहाँ तक का रीजन है ये यानी नाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर हम डे टाइम में ही यहाँ पे डे टाइम में नॉन फोटिक जेट गिवर्स को यहाँ पे दे देंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म को, मैमल को, तो हम देख रहे हैं कि जो इनका जो एक्टिविटी है वो लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। ये जो एक्टिविटी है वो लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ड्रिफ्ट हो रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट साइड की तरफ ड्रिफ्ट होने का मतलब क्या है कि ये एक्टिविटी अर्लियर शो कर रहा है, अर्लियर एक्टिविटी को शो कर रहा है, यानी वो जल्दी एक्टिविटी को शो कर रहा है। अगर हम उनको नॉन फोटिक जेट गिवर्स उनको दे देंगे तो लिविंग ऑर्गेनाइज्म को, वहीं पे अगर हम लिविंग ऑर्गेनाइज्म यानी अगर हम माउस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम सेम एग्जाम्पल को यहाँ लें कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, लाइट ऑफ है यहाँ पे, और जो यहाँ लिविंग ऑर्गेनाइज्म है ये इनएक्टिव है यहाँ पे। तो अब लिविंग ऑर्गेनाइज्म यहाँ इनएक्टिव है, अगर हम क्या करें कि फोर्सफुली कि जो ये माउस है उसको क्या करें, हम उसको एक्टिव कराना स्टार्ट करें, तो एक्टिव कराने की वजह से क्या होगा फोर्सफुली, तो ये जो व्हील है वो रन करना स्टार्ट कर जाएगा माउस की एक्टिविटी की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जो क्योंकि ये अर्लियर एक्टिव हो गया माउस, क्योंकि ये जब लाइट ऑन होता है तो माउस इनएक्टिव होता है। अब इनएक्टिव होता है तो यानी ये क्या होगा कि कोई व्हील की रनिंग को शो नहीं करेगा, बट हम यहाँ फोर्सफुली क्या कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म को एक्टिव कर रहे हैं, तो यानी वो अर्लियर एक्टिव हो गया है। बट इस एक्टिविटी में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत ही छोटा होता है, लोअर है, तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम क्या करें कि कुछ नॉन फोटिक जिट गिबर्स की अगर हम बात करें, ट्राइजोलम की बात करें या बेंजो डाइजेपिन की बात करें, अगर हम इसको इंजेक्ट करें साइरियन हेमिस्टर्स में या मॉर्फिन को इंजेक्ट कर दें माइस में या सलाइन इंजेक्शन कर दें हेमिस्टर में, तो हम देखते हैं कि अगर इन चीज़ों को, नॉन फोटिक चीज़ों को हम क्या है इनमें अगर क्या इंजेक्ट कर देते हैं तो उनमें फेस एडवांस हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे। तो कहने का मतलब है डे टाइम में अगर हम इन्हें इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि उनका जो एक्टिविटी है अर्लियर एक्टिविटी शो करेगा, यानी जल्दी जल्दी से एक्टिव हो जाएंगे वो। अब वहीं पे एक और समझते हैं एग्जाम्पल है कि जैसे मेलेटोनिन हार्मोन की अगर हम बात करें, ये सिंथेसाइज होता है और सिक्रेटेड होता है कहाँ से, पेनियल ग्लैंड से। और ये मेलेटोनिन जो हार्मोन है ये ट्रिप्टोफन अमाइनो जो एसिड होते हैं, ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड उससे बनते हैं। और जो मेलेटोनिन जो क्या होता है, ये हाईली लिपिड सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल है, इसी वजह से ये इजिली क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। या हम कह सकते हैं कि जो ब्लड जो बैरियर्स होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं, वहाँ इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं। जो मेलाटोनिन है इसका मेटाबोलाइज्ड हो जाता है कहाँ पे, हमारे लीवर में मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, और यूरिन के थ्रू क्या है ये मेटाबोलाइज होके बाहर आता है, किस फॉर्म में, यूरिनरी 6-सल्फा टॉक्सी मेलाटोनिन के फॉर्म में क्या होता है, ये बॉडी से बाहर आता है। अब जो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये सिंथेसाइज और जो सिक्रीशन होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम होता है, और मैक्सिमम क्या है 3 से 4 AM के बीच में होता है। और जैसे ही लाइट क्या होता है क्या है डे टाइम में लाइट दिख जाता है या आता है, उसकी वजह से ये इनहिबिट हो जाता है इनका सिक्रीशन। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं। हमने देखा है कि जो ये मेलाटोनिन है ये 55 से 60 ईयर के जो एज ग्रुप है वहाँ पे उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, कंसंट्रेशन ये डिक्लाइन हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है इन जो भी एज ग्रुप के जो पीपल्स हैं, पर्संस हैं, उनमें ये क्या है स्लीप वेक जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस कंडीशन को हम इंसोम्निया कहते हैं।
अब यही जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है, ये स्लीप वेक साइकिल को क्या है कि ह्यूमन के इन्फ्लुएंस करता है, और मैमल्स के स्लीप वेक साइकिल को भी क्या है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम क्या करें कि ये जो मेलाटोनिन है इसको क्या करें, इंजेक्ट कर दें हम लोग नॉक्टर्नल लिविंग ऑर्गेनाइज्म में या डायरोनल लिविंग ऑर्गेनाइज्म में, यानी रोडेंट्स में अगर हम इसे इंजेक्ट कर दें, तो इंजेक्ट करने से क्या हो जाएगा कि जो ये मेलाटोनिन हम जो इंजेक्ट कर रहे हैं, ये नॉन फोटिक जिटगिबर्स है, तो इससे क्या होगा कि उनमें कोई ट्रांसजेंट बहुत जल्दी से कोई हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी। बट होता क्या है कि जो सरकाडियन जो क्लॉक है वो मेलाटोनिन इंजेक्ट करने की वजह से क्या हो जाता है, वो इजली क्या हो जाता है, मेलाटोनिन के साथ सिंक्रोनाइज कर लेता है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो फोटिक और जो नॉन फोटिक जिटगिबर्स होते हैं ये किस तरीके से इंट्रैक्शन करता है, और इंट्रैक्शन करने के बाद जो सुप्रा काइज़मेटिक जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो हमारा जो क्लॉक होता है वो किस तरीके से ये नॉन फोटिक और फोटिक जो जिटगिबर्स होते हैं उनके इंट्रैक्शन के साथ क्या करता है, वो अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेता है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये PER प्रोटीन किसे कहते हैं। तो ये ब्रांडीज जो यूनिवर्सिटी था उन्होंने PER प्रोटीन को क्या करा कि डिस्कवर्ड किया। किससे डिस्कवर्ड किया, जो फ्लाई होते हैं फ्लाई के ब्रेन से ये डिस्कवर्ड किया, और ये अर्ली जो नाइट होता है उसमें पीक फॉर्म में होता है। तो ये PER जो प्रोटीन होता है इसको हम पीरियडिक हम प्रोटीन भी बोलते हैं, और इसके जीन को हम बोलते हैं पीरियडिक जीन भी बोल देते हैं हम लोग। 1990 में पॉल हार्डिन, जेफ हॉल एंड माइकल रॉसबेस ने क्या किया कि एक कंसेप्ट को क्या है इंट्रोड्यूस किया। इस कंसेप्ट को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फीडबैक लूप कहते हैं। जरा इसे डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक सेल है, सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, PER जीन प्रेजेंट है, और ये PER जीन क्या होगा कि ये मैसेंजर RNA को क्या होगा का फॉर्मेशन करेगा। ये मैसेंजर जो आरएनए है, ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा तो हमारा जो राइबोसोम है ये इनके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये राइबोसोम क्या करेगा, इस मैसेंजर आरएनए को क्या करेगा, इनकोड करेगा, और जिससे हमारा PER प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और PER जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, स्पेसिफिक जो रिदम होता है, रिदम्स होते हैं, वो रिदम को प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद ये जो PER प्रोटीन है ये वापस कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जब चला जाएगा तो ये क्या करेगा, जो प्रोटीन है, सॉरी प्रोटीन नहीं, PER जो जीन है उस जीन के साथ क्या होगा, ये जो PER जीन के साथ ये हमारा बाइंड कर रहा है। तो बाइंड हो जाने की वजह से जो हमारा PER जो जीन है ये क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। तो इसी का जो कंसेप्ट है इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फीडबैक लूप कहते हैं। इसके बाद जेफरी हॉल और माइकल रॉसबेस ने क्या करा, डिस्कवर्ड किया कि जो PER जो प्रोटीन है जो कि पीरियडिक जीन यानी PER जीन इसको इनकोड करता है, ये एकुमुलेट होता है यानी नाइट के टाइम में इनकोड होता है, और क्या होता है जैसे ही क्या होता है डे टाइम आता है
तो ये क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर हम क्या करें कि जो नॉन फोटिक जेट गिबर्स है, नॉन फोटिक जेट गिबर्स का एग्जांपल जैसे बेंजो डाइजेपिन या ब्रोटाजोलम की अगर हम बात करें, यानी ये जो नॉन फोटिक जेट गिबर्स है इसको ड्यूरिंग क्या है लेट नाइट, यानी बिफोर लेट नाइट हम इसे क्या करें इंजेक्ट कर दें लिविंग ऑर्गेनाइज्म में, तो जो PER1 जो प्रोटीन है, जो PER2 जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है इसका जो एक्सप्रेशन है हमारा सुप्राकाइज़मेटिक जो न्यूक्लियस है वहाँ पे क्या हो जाएगा अटेन्यूएट हो जाएगा, यानी उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा अटेन्यूएट हो जाएगा। अब अटेन्यूएट हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा सुप्रा जो काइज़मेटिक जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा इसके साथ सिंक्रोनाइज कर लेगा, सिंक्रोनाइज्ड कर लेगा हमारा, सिंक्रोनाइज्ड कर लेगा, सिंक्रोनाइज्ड कर लेगा। तो आइए इसे एक बार और हम इसे अपने शब्दों में समझते हैं एक बार थोड़ा सा। हमने ये कहा कि जो ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या होगा, नाइट टाइम क्या होगा, PER जो 1 है और जो PER2 है ये ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा, ये एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस होता है कहाँ पे, ये सुप्रा काइज़मेटिक न्यूक्लियस में एक्सप्रेस होता है हमारा। बट अगर हम क्या करें कि ड्यूरिंग द नाइट यानी लेट नाइट के ड्यूरिंग, तो हम बेंजोडाइजेपिन या प्रोटाजोलम को हम क्या करेंगे इंजेक्ट कर देंगे, तो ये क्या करेगा इंजेक्ट कर देगा तो क्या होगा कि इसके जो PER1 और PER2 का जो एक्सप्रेशन है उसको अटेन्यूएट कर देगा, यानी एक्सप्रेशन को अटेन्यूएट कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सुप्रा काइज़मेटिक जो न्यूक्लियस है इन दोनों के इंट्रैक्शन की वजह से PER1 और PER2 और नॉन फोटिक जिट गिबर्स का जो इंट्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सुप्रा काइज़मेटिक न्यूक्लियस क्या कर लेगा, सिंक्रोनाइज्ड कर लेगा अपने आप को। आज हमने डिस्कस किया कि नॉन फोटिक और फोटिक जिट गिबर्स किसे कहते हैं, और ये फोटिक और नॉन फोटिक जो जेट गिबर्स होते हैं ये आपस में इंट्रैक्ट कैसे करते हैं, और इंट्रैक्शन के बाद होता क्या है कि जो हमारा सुपरा जो काइज़मेटिक जो न्यूक्लियस है वो किस तरीके से इनके इंट्रैक्शन के बाद क्या है अपने आप को क्या है एडजस्ट करता है, उसको हमने समझने की कोशिश की। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।